एवरीवन, वेलकम टू रीडिक्स की रसोई। और आज हम बनाने वाले मसालेदार ग्रीन कद्दू की सब्जी, जो बनाने में तो बहुत ही इजी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ग्रीन कद्दू, वेजिटेबल मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ मेरे पास तेज पत्ता, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर एंड गार्लिक। उसके बाद मेरे पास है हींग, नमक। तो सबसे पहले मुझे ग्रीन कद्दू को बहुत ही स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें गैस फ्लेम को ऑन करना है और उसके ऊपर पैन को चढ़ा देना है। जब पैन गर्म होने लग जाए तो हमें तेल डालना है और फिर मुझे इसमें डालना है तेजपत्ता, लाल मिर्च, गोलकी एंड लहसुन। उसके बाद मुझे डालना है ब्लैक राई और उसे थोड़ी देर पकने के बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वेजिटेबल मसाला, धनिया पाउडर और पानी में डाल रही हूँ एक कटोरी। अब हम सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर तक लो फ्लेम पर पकाएँगे। लो फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने एक और कटोरी पानी डाल दिया इसमें और उसको भी हम थोड़ी देर पकाने वाले हैं। और फिर पकाने के बाद हमने सारे कद्दू को पैन में डाल देना है और सबको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और फिर अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के पकाने वाले हैं, हम बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे। 10-15 मिनट बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है और इसका साइज़ भी छोटा हो गया है। तो हम सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये बन गई है, अब हम गैस फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। हमारी मसालेदार ग्रीन कद्दू की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप इसको रोटी, चावल किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।